पता नहीं डिसीजन सही रहा कि नहीं। मैंने कल रात को इडली का बैटर फॉर्मेंट करने रख दिया था, तो सही फॉर्मेंट हो गया। अब बस सांभर बना रही हूँ, सब्जियाँ वब्जियाँ काट रही हूँ। पहले तो इमली करती हूँ गरम। मैंने एक पैन में ले लिया थोड़ा सा पानी एंड इसमें इमली तोड़ के डाल रही हूँ। इसको गरम कर दूंगी तो इमली काफ़ी खट्टा पानी बन जाएगा, इसको फिर सांभर में डालेंगे। तो दाल भिगो के रख दिया, जब तक मैं सब्जियां वब्जियां काटूंगी। और इधर इमली मैंने स्लोप कर दिए, पानी एक बार बॉयल हो गया था, अब स्लोप पे हो रही है ये, तो थोड़ा और इसका फैल जाएगा लिक्विड। बाकी हल्का हल्का दबा भी देती हूँ। चौक तैयार करी हूँ। चौक के लिए मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया, जियो रॉ वाला। इसका मैंने गिव अवे भी किया था दीवा लॉग में, अगर आपको याद है। बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सरसों वाला तो हमने खत्म कर लिया, कोकोनट हमारे यहाँ ज्यादा यूज नहीं होता तो कोकोनट ऑयल भी बचा हुआ था। हमारे यहाँ दादी और शानवी मिर्ची नहीं खाते, तो उन लोग का बगैर मिर्च का पहले थोड़ा सा सांभर का तड़का लगा रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा करी पत्ता। बाकी सबके तड़के के लिए मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल, एवरेस्ट का सांभर मसाला, दो रेड चिली, करी पत्ता एंड सरसों। इडली अब मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ। इसमें बस थोड़ा सा पानी भर के इसको 2-3 मिनट रख देती हूँ पहले स्टीम करने के लिए, एंड तब तक इसमें इडली बैटर तैयार करके रख देती हूँ। एंड फिर जब ये स्टीम अप हो जाता है तो बस 3 मिनट के लिए रख दो, 4 इडली 3 मिनट में आराम से बन जाती है। ऑलराइट, मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल लिया है क्योंकि अभी सब लोग नहीं खा रहे, सुबह मैं और बच्चे ही खा रहे हैं, बाकी लोग बाद में खाएंगे। इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल लिया इसको पतला करने के लिए और थोड़ा सा नमक डाला है। हाँ जी शानवी, क्या हुआ? बनने वाला अभी बनने वाला है, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने अपने इडली बैटर भी इस बार कोकोनट ऑयल से ही कोट किया है थोड़ा और इसको टेस्ट देने के लिए। एंड यूजुअली तो मैं घी में करती हूँ कोट। ये जो मैंने बैटर बनाया है इसमें 1:3 की कंसिस्टेंसी है, मतलब 1 कटोरी उड़द की दाल और 3 कटोरी चावल। बाकी इस बैटर से डोसा बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। क्या हुआ, उसे गोदी क्यों ले रहे हो? नीचे रखो। मैंने बन रहा इडली बन गई है, मैंने की बन रही है बस। इडली दाल और सब्जियां दोनों अच्छे से घुल गई हैं। एंड बस अब थोड़ा सा पोर्शन में डाल रही हूँ बिके मिर्च वाले लोगों का और थोड़ा सा डाल रही हूँ मिर्च वाले लोगों का। तो बस सांभर बन के तैयार है, वही मैंने टेस्ट करके देखा था, बहुत ज़्यादा यम्मी बना इडली के ऊपर।
क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। हाँ, हमारा पूल उस दिन का रखा हुआ है, अभी डिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, पूल पार्टी नहीं कर रहे हम, बारिश पार्टी हो रही है। तेज तो हो ही रही है, पूल पार्टी नहीं कर रहे हम, बारिश पार्टी कर रहे हैं। बारिश पार्टी। बता दो ट्रेनिंग। हाँ, न्यू चप्पल से जानवी की। मम्मा सिर्फ मेरी है, वाली मिल भी नहीं है। आपकी उधर है, आपके बाथरूम में। जंपी 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 जंपी। वो रोज आया हुआ है। हाँ, ओ वाओ। रोज जानवी, रोज देखो फ्लावर। रोज फ्लावर देखो। दादू को बुला रहा अभी है। बात हो रही है बारिश। गंदा पानी है वो। होली पार्टी हो गई आपकी तरफ से। इतने ज्यादा गीले हो गए, पता नहीं डिसीजन सही रहा कि नहीं। नहीं, ठीक रहेंगे। ओए होए, हाँ कितनी प्यारी लग रही है। मम्मा मेरे नीलू की भी आई है। आपकी भी है बेटा, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। देखो क्यों रहे, तो प्यारे लग रहे दोनों के दोनों। ये गई कहाँ? ये तो टॉय से खेलने लगी यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। वो इनिशियली ठंडी थी बारिश, बट उसके बाद तो अब ठीक लग रहा है ना। ड्रिजल तो ठीक लग रहा है, शुरू शुरू में आई थी वो तो बड़ी ठंडी थी। दोनों ऐसे सॉलिड भीग गए। मस्ती इन्होंने ही करी है। कम कम, किसको बुला रहे हो आप? हेलो, आ जा। दादी को बुला रहे हो? दादी नीचे बच्चू। आज शानवी ने सब्जी भी खरीदी थी बालकनी से। आपने भिंडी वाले भैया को कैसे बोला था भिंडी देने के लिए? भिंडी वाला ऐसे बोला, जैसे भिंडी वाला। चलो बारिश बारिश करेंगे, मम्मा रख रही है कैमरा। चलो आ जाओ। बहुत मजा आया बारिश में। शानवी को देखना क्या हो गया, हम लोग कितना भीग गए। इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी ज्यादा बारिश होगी। एनीवेज बाद में बात करती हूँ, पहले कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ शानवी के भी और अपने भी।